गॉड एग्जिस्ट, जो मैंने मेरे गुरुदेव से सुना है मैं उसी को आप सबको बताने की कोशिश करूंगी। हम सब मनुष्य, हम बैठे हुए अभी, हम मानते हैं कि हाँ भगवान है नहीं है, किंतु हमारे मानने प्रति हमारे मन में बहुत प्रश्न उठते हैं कि क्या भगवान है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, हम कैसे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं भगवान नहीं है, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है, तो मान कैसे लो। एक गांव में, एक गांव के साथ में एक साधु रहते थे, तो उन गांव के लोगों ने सोचा कि हमारे साथ में यहाँ साधु रहते, कभी हमारे गाँव में आए नहीं, तो आज हम उन्हें बुला करके लेके आएंगे। तो जब वो साधु आए तो उन्होंने जितने भी लोग थे उनसे प्रश्न पूछा कि क्या तुम भगवान को मानते हो, तो सबने हाथ उठाया। तो साधु ने कहा कि जब तुम भगवान को मानते ही हो तो मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो वो साधु चले जाते हैं। फिर जो गांव के लोग होते हैं तो बोलते हैं हम कल फिर साधु को बुलाएंगे, और आधे लोग हाथ उठाएंगे और आधे नहीं उठाएंगे। तो जब वो अगले दिन दोबारा बुला के लाते हैं तो साधु फिर वही प्रश्न करते हैं कि क्या तुम भगवान को मानते हो, तो आधे लोग तो हाथ उठाते हैं और आधे नहीं उठाते। तो साधु बोलते हैं कि जो लोग मानते हैं ना, जो नहीं मानते तुम उनको समझा देना। अब वो जो साधु फिर चले जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि कल हम फिर बुलाएंगे और कल कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो वो साधु को फिर बुला के लाते हैं, तो वो साधु आके फिर वही प्रश्न करते हैं क्या तुम लोग भगवान को मानते हो, तो कोई हाथ नहीं उठाता। तो साधु बोलते हैं कि जब तुम भगवान को मानते ही हो तो मुझे यहाँ क्यों बुलाते हो। तो उसी प्रकार हम सब भी है कि हमारे अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम वी डोंट ब्लेम अदर्स और वी डोंट सी आर ओन मिस्टेक्स, पर हम क्या बोलते हैं कि भगवान की गलती, हमने तो इतना कुछ किया था, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। किंतु हम मनुष्य हैं, हम उन्हीं सब चीजों को मानते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन सी विच वी परसीव, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि हम उन्हीं चीजों को मानते हैं। किंतु ऐसी बहुत सारी चीजें, देयर आर इन्यूमरस थिंग्स विच वी कांट सी बट स्टिल वी बिलीव दैट दे एग्जिस्ट। हवा है, हवा हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं, नहीं हवा है। लेकिन ये सिर्फ हम में ही है कि हम जो चीजें देखते हैं उन्हीं को मानते हैं, और किसी घर में ऐसा नहीं है। द इंस्टीट्यूट इन विच आई एम रिसेंटली स्टडीइंग, वहाँ पर मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, मुस्लिम लड़कियां भी हैं। तो एक दिन जब हम बैठे हुए थे तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने रिलीजन को बहुत फ्लॉट करती कि हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, हम देखो हम बुर्का पहन के आते हैं, हम अपने रिलीजन को पूरा फॉलो करते हैं, हम बड़े पक्के हैं। तो जो हम लड़कियां थे हमने बोला कि तुम इतना अपने रिलीजन को क्या प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारे रिलीजन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जानवर नहीं है जो तुम लोग नहीं खाते, अपने रिश्तेदार में तुम शादी कर रहे हो। सो यू विल बी अमेज्ड व्हाट शी रिप्लाइड टू अस। उसने हमसे कहा कि बेशक हमारा रिलीजन कैसा भी है, कि हम बेशक हम अपने रिश्तेदार में शादी कर लेते हैं, अपने भाई बहन से, हम मांस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेकिन हमारा रिलीजन तुम लोगों से बहुत अच्छा है। तो जब हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे रिलीजन में तुम हिंदुओं के पास अपने भगवान की फोटो है, हम ठाकुर जी को देख सकते हैं ना, हमारे पास है ना फोटो, हमारे पास भगवान राम की, भगवान कृष्ण की फोटो है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास फोटो होते हुए भी तुम्हें अपने भगवान में विश्वास नहीं है, और हमारे देखो हमारे अल्लाह का हमारे पास कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कितना पूर्ण विश्वास करते कि नहीं हमारे अल्लाह है, हम उन्हीं के बातों को जो हमारे कुरान में लिखा है उसे फॉलो करते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम कुछ किसी चीज को नहीं मानते। अगर किसी ने बोलते हैं ना नहीं ये तुमने इस भगवान की पूजा की है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता, हम उसे छोड़ देते हैं। हमें क्या है, हमारे अपने रिलीजन पे, हमारी गीता पे, हमारे रामायण पे हमें विश्वास ही नहीं है। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठा होता है कि हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हाँ भगवान है, किसी और को कैसे बता सकते हैं कि यस रियली ट्रू गॉड एग्जिस्ट। तो अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठा होता है तो वो बीरबल को बुलाता है, बोलता है बीरबल तुम मेरे एक सबसे वाइजेस्ट मिनिस्टर हो, तुम मेरे सबसे होशियार मंत्रियों में से एक हो, तो तुम मेरे हर सवाल का जवाब देते हो, आज मैं तुमसे दो सवाल करता हूँ, तुम उन सवालों के जवाब लेके आना मेरे पास। तो बोलता है ठीक है। तो वो अकबर उसे बोलता है कि क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। बोलते मैं तुम्हें दो दिन का समय देता हूँ, तुम इन प्रश्नों के उत्तर लेके आओ मेरे पास, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब बीरबल थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि हाँ ये सत्य तो है कि भगवान है, लेकिन मैं इसे प्रूफ कैसे करूँ। जब वो घर जाता है तो वो देखता है, वो थोड़ा परेशान होता है, उसका छोटा बेटा वो उसके पास आता है, बोलता है पिताजी क्या बात है आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तो बोलता है तो बच्चा है इसे क्या पता, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं तुम जाओ तुम अपना खेलो। तो बोलता पिताजी बताइए तो क्या पता आपकी समस्या का हल मेरे पास हो। तो बोलता है कि आज राजा ने ना मुझसे प्रश्न किए कि क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, और दो दिन का समय दिया है कि इन प्रश्नों के उत्तर लाते दो, नहीं दोगे तो नौकरी से जाओगे। तो वो उसका बेटा बोलता है कि बस पिताजी इतनी छोटी सी बात,
आप ना जब 2 दिन बाद जाओ आप मुझे ले चलना अपने साथ। तो बीबन से पूछा तुम इन प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? बोलते पिताजी बहुत सारा ना मुझे ले चलो। अब जब 2 दिन बाद वो जाता है अकबर पूछते तुम मेरे प्रश्न के उत्तर लाए हो? तो बीबन बोलते है कि आपने इतने सरल प्रश्न किए थे कि उनका उत्तर मैं क्या मेरा छोटा बेटा भी दे सकता है। तो वो अपने उस बेटे से पूछता है कि चलो तुम ही बताओ कि क्या भगवान है? तो उसका बेटा बोलता है कि महाराज मैं इस प्रश्न का आपका उत्तर तब दूंगा आप पहले एक किलो दूध मंगवाइए। तो राजा दूध मंगवाता है तो वो पूछता है कि बेटा पूछता है कि क्या इस दूध में घी है? तो राजा बोलता है हाँ है। तो बोलते कहाँ है? तो बोलते ऐसे दूध ना दिखेगा, पहले इस दूध को उबालो फिर इसको जमाओ, जब जमाओगे तो इसमें से क्या मक्खन से इसका मंथन करो फिर मक्खन निकलेगा और छाछ, जब हम मक्खन को उबालेंगे तब उसमें से घी निकलेगा। तो वो बेटा बोलता है कि जब एक सिंपल से दूध में से घी निकालने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, हमें इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो भगवान जो ईश्वर है जिनको पाने के लिए शेष महेश गणेश सुरेश देहु जय निरंतर धावे, जिस भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या वो भगवान हमें वैसे मिल जाएंगे? उसके लिए भी सर्टेन प्रोसेस है। क्या? पहले हमें हमारे अंदर होनी चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संघ, साधु संघ के बाद कथा कीर्तन, कीर्तन से क्या होगा हमारे काम क्रोध लोभ मोह मर मास्टर जिनका विनाश होगा, फिर रुचि निष्ठा भाव प्रेम, प्रेम की अवस्था में आकर तब हमें भगवान दिखे। तो भगवान बोलते हैं चलो ये तो ठीक है लेकिन हम ये बताओ भगवान कर क्या रहे हैं? तो बेटा बोलते हैं कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो प्रश्न करता है होता है स्टूडेंट और जो आंसर देता है वो भी टीचर। तो पहले आप एक काम किए अपने अपने आसन से उतरिए, मुझे अपने आसन पे बिठाइए तब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो वो राजा बोलता है कि अरे ये भी करना पड़ेगा? तो बोलते हाँ आपको प्रश्न का उत्तर चेंज करना पड़ेगा। तो राजा उतरता है तो उस बेटे को उस पे सिंहासन पे बिठाता है, वो पूछता है कि अब बताओ कि भगवान क्या कर रहे हैं? तो वो बेटा बोलता है कि भगवान यही कर रहे हैं कि उन्होंने मिनटों में एक रंग को राजा और राजा को रंग बना दिया। पर भी फिर भी हम ही नहीं, जब साइंटिस्ट लोग के टाइम पे भी ये सब बहस होती थी तो वो भी आर्ग्यू करते थे कि नहीं भगवान भगवान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई क्या साइंस है नहीं, साइंस की वजह से दुनिया चलती है। तो न्यूटन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसके वजह से फिजिक्स चल रही है पूरी, तो वो था जो साइंटिस्ट न्यूटन वो अपने कोलीग के साथ काम कर रहा था। तो उसका एक दोस्त था जो भगवान भगवान में बिल्कुल नहीं मानता था, जब न्यूटन को समझाता था तो बोला दिस इज ऑल साइंस, ये साइंस है साइंस की वजह से होता है। तो बोला नहीं साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई एक सुप्रीम पावर है। तो बोलते नहीं साइंस। तो न्यूटन ने बोला कि ठीक है कल को मेरे घर का डिनर पे आना। तो बोलता चलो ठीक है। जब वो आता है तो न्यूटन पहले बहुत सुंदर सोलर सिस्टम का मॉडल करके रखता है, सन प्लैनेट पूरा सिस्टमैटिक है, पूरा उसको अरेंज करके रखता है। तो जब वो उसका दोस्त आता है उस मॉडल को देखता है तो अमेज हो जाता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉडल, ये किसने बनाया? तो न्यूटन बोलता बनाया किसने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। बोलता पागल पागल अपने आप कैसे बन गया, कुछ तो होगा ना किसी ने तो बनाया होगा। तो न्यूटन बोलता नहीं नहीं किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ऐसे ही बन गया। तो उसका दोस्त बोलता नहीं कोई तो होगा। तो फिर न्यूटन उसे बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक सिंपल सा मॉडल किसी बिना इनिशिएटिव के किसी बिना थर्ड पर्सन के नहीं बन सकता, तो जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है जो पूरा अपने तरीके से काम कर रहा है, सूर्य अपने टाइम पे अस्त होता है उदय होता है एक सीजन के बाद सारे सीजन आते हैं, वो कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज है? तो उसके पीछे कौन है? आर सुप्रीम पावर दैट इज गॉड, भगवान कृष्ण ही है जो इन सब चीजों को चला रहे हैं। ही इज द कॉजेज ऑफ ऑल कॉज, भगवान कृष्ण ही है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है ना कि कोई हट जाता है नहीं हो पाता। तो हम प्रश्न करते हैं कि हमारा मोटिव व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हम ये ठाकुर जी का नाम हमारा क्यों ले, क्या जरूरत है इसकी, बिना वैसे नहीं चल सकता। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक डॉक्टर का परिवार होता है, उस परिवार में कुछ मिसहैपनिंग कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डॉक्टर की भगवान के साथ में उठ जाते हैं, तो उनके वो शिफ्ट हो जाता है। जब आ जाता है तो उसके डॉक्टर के घर के सामने से एक अर्थी जा रही होती है। तो डॉक्टर के घर में एक छोटा बेटा होता है, वो बाहर गेट पे खड़ा होता है, वो देखता है कि वो जो लोग होते हैं वो सब बोलते हुए जा रहे होते हैं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य और सबको ही बात छुपी है। तो वो बेटा उस बात को सुन लेता, घर में आके वही बोलने लग जाता है कि राम का नाम ही सत्य है गोपाल का नाम ही सत्य है और सब सुनता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं अरे बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलते क्यों पिताजी? तो बोलते नहीं नहीं जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है ना उसको ऐसे बोलते हुए जाते हैं। बोलता हाँ अभी मैंने बात सुना,
सब लोग यही बोलते हुए जाते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, गोपाल का नाम ही सत्य है, तो बोलते हैं हाँ बेटा उसने शरीर छोड़ा था ना इसलिए उसको ऐसे बोलते हुए जाते हैं। तो बोलते नहीं पिताजी मैंने देखा कि सब लोग तो बोल रहे थे लेकिन एक जो सिर्फ लेटा हुआ था वही नहीं बोल रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ उसने शरीर छोड़ दिया था, वो मर गया था इसलिए नहीं बोल पा रहा था। तो उसका बेटा अपने पिताजी से प्रश्न करता है तो क्या पिताजी इसका मतलब क्या हम सब भी मरे हुए हैं? तो उसके पिताजी बोलते क्यों? तो बोलते हम भी तो भगवान का नाम नहीं लेते, हम भी तो ठाकुर जी का नाम नहीं लेते। तो जो मनुष्य ठाकुर जी का नाम नहीं लेता वो जिंदा ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा करनी थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 चाहते हो हमारे सारे बच्चे भी ऐसे बने फिर क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें दूध को भक्ति करना पड़ेगा। पहला संस्कार नाम से बचना पिता माता से, सबसे पहला संस्कार पिता माता से पढ़ते फिर बच्चे सीखते। अगर स्वयं पिता माता भजन नहीं करते, देखो